हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखने की विधि क्या है। तो एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट मैंने तैयार किया है और आप लोगों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि इसको कैसे लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के पास स्कूल का नाम, स्कूल का स्थान, ये नीचे लिख दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट फॉर टू डेज लीव, दो दिनों की छुट्टी के लिए। सर या मैडम, यानी दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल है तो केवल उसी को, अगर सर है तो सर या मैडम है तो मैडम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं गत रात्रि से बुखार से पीड़ित रहा हूँ या पीड़ित हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम 28/6/21 टू 29/6/21, इसलिए मैं 28 से 29 तारीख तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। काइंडली का अर्थ यहाँ पर होता है कृपया। जब एप्लीकेशन में हम कृपया लिखते हैं तो उसके लिए हम काइंडली लिखते हैं, और लेटर में जब लिखते हैं कृपया तो उसके लिए हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ काइंडली लिखेंगे, काइंडली ग्रैंट मी लीव फॉर टू डेज, कृपया आप मुझे दो दिनों की छुट्टी प्रदान करें। फॉर दिस आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। योर फेथफुली, आपका विश्वासी, नाम, क्लास, रोल नंबर, एक्स वाई जेड या अननोन नाम है इसलिए एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में थैंक्स, और यहाँ देंगे डेट, जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑफिस में उस दिन का हम यहाँ डेट डाल देंगे। तो ये था एप्लीकेशन, और उम्मीद है कि आप लोग एप्लीकेशन लिखना ज़रूर समझ गए होंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।